हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर बेंजामिन सर फ्रॉम केवी नंबर 2 ईटानगर। आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस क्लास वी हैव रेड द चैप्टर द मैजिक गार्डन ऑफ यूनिट 1 एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ आवर रिविजन। Today, in this video, we are going to do the exercises related to this chapter. So, let's start. Reading is fun. Question number 1. Why did the flowers love the little children? The question is, why did the flowers love the little children? फूलों को वो छोटे बच्चे पसंद क्यों थे? या सो द आंसर वी कैन राइट लाइक दिस, द फ्लावर्स लव्ड द लिटिल चिल्ड्रन एज दे ब्रॉट वाटरिंग कैंस एंड वाटर देयर थर्स्टी रूट्स। दिस वॉज द रीजन फॉर लविंग दैम, बिकॉज द चिल्ड्रन टुक केयर ऑफ द फ्लावर्स। बाय हाउ? बाय पोरिंग वाटर, बाय गिविंग दैम वाटर। You can write these answers in your copy. Number 2. Why did the birds love the children? In the first question, it was flowers. Why did the flowers love the little children? And second question is, we are being asked about the birds. Why did the birds love the children? Birds, छोटे बच्चों को पसंद क्यों करते थे? ठीक? So we can write like this, the birds loved the children as they brought bread for them, as they brought bread for them, bread मिलता था उन लोगों को, है ना। छोटे बच्चे जब वहाँ पे खाते थे गार्डन में तो बहुत सारा उनका गिर भी जाता था या देते भी थे वो लोग, इसीलिए birds को पसंद आते थे ये छोटे बच्चे। ओके, नंबर 3, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। If you can recall the story, the magic garden, you will come to find out that we have read about some flowers. So we have to write the names of those flowers as it is written here. The names of the flowers are marigolds, sunflowers, roses, poppies, pansies. Got it? Okay, marigolds, sunflowers, roses, poppies and pansies. Number 4, what sounds could the children hear in the garden? अगर आपको कहानी याद है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि बच्चों को गार्डन में किसके गाने की आवाज़ सुनाई देती थी, है ना। तो इसका आंसर होगा, The children could hear the sweet songs of the fairies in the garden. परियों के गाने की आवाज़ उन लोगों को सुनाई देती थी। बच्चों, आपका आंसर क्वेश्चन में ही आधा छुपा रहता है। देखो यहाँ पे ऐसे, The children could hear, इसके बाद आगे the sweet songs of the fairies और in the garden यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना करके लिख सकते हैं, यू कैन राइट लाइक दिस। Okay, let's move further. Say aloud. We have to speak these words. We have to say these words loudly. Little people, purple. Once again, little people, purple. Happily, sleepily, proudly. Happily, sleepily, proudly. Next, slippery, thirsty, pretty. Slippery, thirsty, pretty. Okay, so you have to speak these words loudly. Okay. Slippery means वैसा जगह जहाँ पे फिसलन ज़्यादा हो, ठीक है, उसको बोलेंगे स्लिपरी।
थर्स्टी प्यासा, प्रेटी मीन्स ब्यूटिफुल, प्राउडली गर्व से, स्लीपीली मतलब नींद लगना, हाँ, हैप्पीली खुशी से, लिटिल कम छोटा, पीपल लोग, पर्पल एक कलर का नाम है, ठीक, जिससे मैं लिख रहा हूँ ये पर्पल कलर है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। योर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज वर्ड बिल्डिंग, वर्ड बिल्डिंग। सो एज यू कैन सी हियर दिस इज द गार्डन एंड वी हैव टू राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर फाउंड इन अ गार्डन। या मे बी योर आंसर्स मे वेरी फ्रॉम माई आंसर्स, यू कैन राइट अदर नेम्स ऑल्सो, लेट्स डिस्कस। सो इन द गार्डन इंसेक्ट्स, इफ आई आस्क यू नेम टू इंसेक्ट्स दैट यू सी इन द गार्डन, सो यू कैन राइट बटरफ्लाई बी, यू कैन ऑल्सो राइट अनदर नेम्स, या यू कैन राइट फ्लाइज, या सो यू कैन राइट लाइक दिस। सो बटरफ्लाई एंड बीज इन इंसेक्ट्स, इन ट्रीज, एज फार एज ट्रीज आर कंसर्नड, देर आर सो मेनी ट्रीज इन द गार्डन, आई हैव रिटन हियर टू नेम्स, मैंगो एंड एप्पल, यू कैन राइट सम अदर नेम ऑल्सो। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, बर्ड्स, नेम द बर्ड्स दैट कैन बी सीन इन अ गार्डन। सो आई हैव रिटन हियर स्पैरो, माइना, स्पैरो एंड माइना, यू कैन राइट अदर नेम्स, पिजन, पैरट, दैट यू सी इन द गार्डन, राइट द नेम्स। ओके, आप दूसरे नाम भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हो, फ्लावर्स, द फ्लावर्स दैट वी कैन सी इन द गार्डन, इट इज रोज, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, पॉपीज, पैंसीज एंड सो ऑन, हिबिस्कस। सो दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स वी कैन राइट, आई हैव रिटन हियर टू राइट एनी अदर इफ यू वॉन्ट। नेक्स्ट, टूल्स, एज फार एज टूल्स आर कंसर्न, यू कैन राइट हियर टूल्स, औजार जो यूज होते हैं गार्डन में, जो हम यूज़ करते हैं गार्डनिंग के काम आते हैं, तो स्पेड, कुदाल की ज़रूरत होती है खोदने के लिए, और शॉवल, मिट्टी निकालने के लिए शॉवल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के आप टूल्स यहाँ पे लिख सकते हो, ग्रास कटर भी लिख सकते हैं, उसका भी यूज़ हम लोग करते हैं। ओके, हम स्प्रिंकलर का भी यूज़ करते हैं पानी देने के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस वर द एक्सरसाइजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, आई होप ऑल दिस एक्सरसाइजेस वेयर क्लियर टू यू। If you feel or if you face any difficulty or any problem, never hesitate to contact me. Okay? So that's all for the day, students. Hope to meet you in the next video. Thank you and have a nice day.